मार्वल वालों ने जोनाथन मेजर को मार्वल स्टूडियो से क्यों फायर किया? उसने ऐसा क्या काम किया था कि मार्वल वालों ने उसे उसी वक्त फायर कर दिया? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, जोनाथन मेजर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है जब अदालत ने उस पर उसकी एक्स पार्टनर की तरफ से लगाए हुई एलिगेशंस का फैसला सुनाया, जिसमें वो कुछ चार्जेस पर गिल्टी पाया गया और कुछ पर नहीं, जिसके नतीजे में उसे 6 फरवरी को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मार्वल ने देरी किए बिना मेजर को मार्वल स्टूडियो से फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो अब मार्वल स्टूडियो में वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी का नाम अवेंजर 5 में बदल गया है, जिसकी स्क्रिप्ट अभी अर्ली स्टेजेस में है। तो अब मसला ये है कि मार्वल स्टूडियो मेजर की जगह किसको कास्ट करेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जॉन बोयेगा जैसे नामों का जिक्र भी हो रहा है। ये भी हो सकता है कि मार्वल वाले कोई नया विलन ही बना डाले। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मेजर बहुत ही अच्छा एक्टर है, लेकिन उसने बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब ब्लैक लिस्ट में होने के बाद उसे इंडस्ट्री में अब काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे जो अब लगता है कि 5-10 साल तक उसे कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने दूसरी जगह में भी देखा है, लेकिन अभी मेजर के केस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और कुछ अदालत ने भी मना किया है इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने से। मैं तो अब वेट कर रहा हूँ कि कब अदालत इसका फैसला सुनाती है और आगे देखते हैं कि मार्वल स्टूडियो कैसे अपने यूनिवर्स को चलाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस केस के बारे में कुछ मालूमात हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।